दूसरा आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने आरबीआई क्रेडिट कार्ड के कोई भी ट्रांजेक्शन को आप लोग ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है दोस्तों। कभी कभी होता है कि जब आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और आप दोस्तों उसको एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, तो सबसे दोस्तों बेहतर तरीका होता है कि आप उस ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लें। तो आज दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने इस ट्रांजेक्शन को कैसे ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप प्रोसेस करें तो वहाँ पे आपसे कोई भी गलती या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले आरबीआई माई कार्ड ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू ईएमआई का। आपको सिंपली कन्वर्ट टू ईएमआई वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है, जो कि आपको फ्रंट में ही शो हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके जो भी इजबल ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिसको भी दोस्तों आपको यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करना है उसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू ईएमआई का, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कन्वर्ट टू ईएमआई पे टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मंथ को सेट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों वेट करना है। अब यहाँ पे आपको अपने बजट के हिसाब से आपको यहाँ पे मंथ लिखा होगा और उसके नीचे आपको मंथली ईएमआई कितनी आएगी वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे मेंशन होगा। तो जैसा भी दोस्तों आप चाहें वैसा आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मंथ सेट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों ईएमआई दिख जाएगी कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी आएगी और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लग रही है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक कर देना है। कंटिन्यू में दोस्तों टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, मैसेज ऑटो फिलअप हो जाएगा। दोस्तों ओटीपी होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड का बटन मिलेगा, आपको सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी ईएमआई है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, वो ईएमआई में दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। आपका दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन है वो अब पूरा नहीं आएगा, वो आपको दोस्तों ईएमआई के रूप में दोस्तों पे करना पड़ेगा जब भी आपका बिल जनरेट होगा। आई होप दोस्तों आप ये प्रोसेस समझे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, कोई भी डाउट हुआ हो, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।